ऑनलाइन स्टोर्स को आ रही है। ये पेज नंबर 53 पढ़ा दिखा रहा हूँ। ये कल तक जो पढ़ा था क्लियर है? यस सर। क्या पढ़ा था सर कल? कंप्यूटर तो नहीं कर सर मैं। चलिए सर, इसका एक लास्ट एस्पेक्ट रह गया था। पेज नंबर 53 के एंड पे लेफ्ट सॉरी राइट साइड पे आता है। देखिए ग्रांट है, इनका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ग्रांट के पैसे हमारी इनकम है, लेकिन अगर ये पैसे कुछ कंडीशंस की बेस पे है तो कंडीशंस अगर मीट ना हो सके तो फिर एक स्टेज आ सकती है कि ये ग्रांट हमें रीपे भी करनी पड़ सकती है। आज हमने ये डिस्कस करना है कि अगर कंडीशंस मीट नहीं हो पाई और देयर फॉर ग्रांट के पैसे वापस करने पड़ रहे उसकी फिर अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए। हो सकता है वैसे ऐसे? क्या सर? अब वही सिचुएशंस बन जाएंगी जो हमने कल डिस्कस किए। जरा पढ़ना शुरू करना था। अब हो सकता है ये ग्रांट हमें एक्सपेंसेस के अगेंस्ट मिली हो और वापस करनी पड़ जाए, और ये भी हो सकता है कि ग्रांट हमें एसेट्स के लिए मिली हो और हमें वापस करनी पड़ जाए। तो अगर फॉर एग्जांपल ग्रांट हमें एक्सपेंसेस के लिए मिली थी और पास्ट एक्सपेंसेस के लिए मिली थी और किसी वजह से ये ग्रांट अब हमें रिटर्न करनी पड़ रही है, तो आप बताएंगे जब हमें मिली होगी तो हमने एंट्री क्या की होगी? ग्रांट कैश डेबिट और ग्रांट इनकम बना ली होगी। अब अगर पैसे ही वापस करने पड़ गए, नहीं अगर पैसे ही वापस करने पड़ गए तो क्या फिर हमने इनकम जो बनाई थी वो नहीं बनानी चाहिए थी? तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब ग्रांट इनकम डेबिट करना जरा इसलिए अजीब सा हो जाएगा कि हो सकता है वो कोई पुराना साल हो, 2008 में 2018 में मिली थी, हमने इनकम बना ली उस साल, 2021 में जाके वो ग्रांट वापस करनी पड़ रही। तो ग्रांट इनकम की बजाय अब शायद हम एक्सपेंस कह सकते हैं। उस इनकम से क्या हुआ होगा? हमारा प्रॉफिट बढ़ा होगा, प्रॉफिट बढ़ के रिटेन अर्निंग्स बढ़ गई होंगी। अब पिछले सालों में तो नहीं जाएंगे, जिस साल में वापस करनी पड़ी उसी साल कैश क्रेडिट कर देंगे। अब ग्रांट इनकम डेबिट कर लें या एक्सपेंस डेबिट कर लें, इनकम डेबिट का मतलब हो रहेगा इनकम कम हो गया प्रॉफिट कम हो रहा है, और एक्सपेंस डेबिट का मतलब एक्सपेंस बढ़ के प्रॉफिट कम हो रहा है। होना क्या है कि हमारा प्रॉफिट कम होना पहले बढ़ गया, लेकिन एक है कि IS-8 की तरह किया जाए। IS-8 की तरह तब करेंगे जब हमने गलत इनकम बना ली थी। उस जमाने में लग रहा था कंडीशन इंशाल्लाह मीट हो जाएंगी, उस जमाने के हिसाब से इनकम ठीक थी, जमाना बदल गया, नई दुनिया आ गई, जमाना बदलने से हालात बदलने से समटाइम्स चेंजिंग सरकमस्टेंसेस में डिसीजन डिफरेंट लेना पड़ता है। अगर तो उसी वक्त हमें पता था कि हम इन कंडीशंस को मीट नहीं कर सकेंगे तो फिर तो हमने एरर किया, एरर किया है तो रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करेंगे, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर उस वक्त लग रहा था कंडीशंस मीट हो जाएंगी तो उस वक्त इनकम बना के हमने गलत नहीं किया, तो अगर इनकम बना के उसको गलत नहीं किया था तो अब ये चेंज इन एस्टीमेट के तौर पर मीन्स उसे किस साल में फिर ठीक करेंगे, 2021 की फॉर एग्जांपल अगर 18 और 21 का लेंगे तो प्रोस्पेक्टिवली मीन्स उस साल 2021 में फिर ये एक्सपेंस या इनकम डेबिट करके कैश करेंगे। ये समझ आता है एक्सपेंस या इनकम डेबिट करके? नेट इफेक्ट सेम ही होगा। तो किस साल की इनकम है? किसी पुराने साल की, और बाद में अगर वापस करनी पड़ रही है तो फिर एक्सपेंस डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है सर। लेकिन अब इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें। ये ऑनलाइन स्टोर साथ है, अगर ग्रांट हमें मिली थी फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए,
तो हमने कैश मिलने पे पहले एंट्री क्या की हो? डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट की होगी, और फिर उस डेफर्ड ग्रांट इनकम को या तो हम अदर इनकम बना रहे होंगे या एक्सपेंसेस से रेट कर रहे होंगे। ढूंढ ले ऊपर, जरा ढूंढने कहीं पेज पे। डायरेक्ट अप्रोच भी है और इनडायरेक्ट अप्रोच भी, अगर फ्यूचर से रिलेटेड हो। ऐसे ही सर, अब ये हो सकता है, कंसिडरेशन होती है कि जब ग्रांट वापस करनी पड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल अब ये फ्यूचर वाली ग्रांट वापस करनी पड़ रही है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई डेफर्ड ग्रांट इनकम का बैलेंस लाइबिलिटी के तौर पे मौजूद हो? ये भी हो सकता है कि हमने सारी डेफर्ड ग्रांट इनकम को इनकम में कन्वर्ट कर लिया हो। तो अगर तो सारी को इनकम में कन्वर्ट कर लिया है, फिर तो हमें दोबारा एक्सपेंस डेबिट करना पड़ेगा। इनकम या एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इनकम बना चुके थे और अब हम इनकम रिवर्स करेंगे या एक्सपेंस बढ़ा देंगे। लेकिन अगर कोई डेफर्ड ग्रांट इनकम का बैलेंस मौजूद है, पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल 4 सालों में कंडीशन मीट होनी थी, दूसरे साल पे ही पता चल गया कि अब ये पैसे वापस करने, तो अगर डेफर्ड ग्रांट इनकम का बैलेंस मौजूद होगा तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? जब पैसे आए थे तो एंट्री क्या की होगी? अब हमने लाइबिलिटी बढ़ा ली थी, तो अब आपको लाइबिलिटी अपनी खत्म करके पैसे देने, क्या एंट्री बनेगी? लेकिन अगर कैश ज्यादा है और डेफर्ड ग्रांट इनकम का बैलेंस कम है, पैसे सारे ही वापस करने पड़ गए और 2 साल बाद बस ग्रांट इनकम का बैलेंस रह गया डेफर्ड, तो क्या ये भी हो सकता है कि बैलेंसिंग फिगर कुछ बच जाए? तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड होगी, तो एक्सपेंस बन जाएगी। अब जरा जो पहला पैराग्राफ आपको मिल रहा है लेफ्ट साइड पर रीपेमेंट के नीचे, वो जरा पूरा पढ़ना। किस ग्रांट की बात हुई है? ग्रांट फॉर एक्सपेंस डेबिट फर्स्ट अगेंस्ट बैलेंस ऑन द डेफर्ड ग्रांट इनकम अकाउंट, इफ एनी यहां क्यों लिखा हुआ? अगर है तो, और अगर नहीं है तो सारा का सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें, और अगर है तो पहले डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट कर लें, और अगर बैलेंसिंग फिगर को बचे उसे प्रॉफिट और लॉस में डेबिट कर लें। एक एंट्री बता दें फाइनली सारी, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट फिगर्स को सज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट करें कैश गया है 500 मिलियन, डेफर्ड ग्रांट इनकम का बैलेंस मौजूद था 150 मिलियन, तो 350 बैलेंसिंग फिगर है, एक्सपेंस के तौर पर प्रॉफिट लॉस में चल गया। एक एंट्री लिखना था साहब, देखा है बनाने प्लान बन लिया। अगर डेफर्ड ग्रांट इनकम का बैलेंस ही मौजूद ना हो, और अगर मौजूद है तो एग्जाम्पल नंबर 9 का पेज होना। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगी डेफर्ड ग्रांट इनकम को खत्म करने के बाद, वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों जानी चाहिए? क्योंकि ये अमाउंट पहले इनकम के तौर के भी प्रॉफिट लॉस में गई होगी। जरा सोचो, हिम्मत करो, क्या ख्याल है? तो जितनी इनकम पहले गई होगी उतना ही फिर एक्सपेंस भी एडजस्ट होना चाहिए, या एक्स्ट्रा से इनकम रिवर्स होनी चाहिए। पेज नंबर है जी 70, पढ़े जी एग्जाम्पल दरमियान में। The local government granted the company 10,000 on 1st January 2021 to assist in the financing of underlying mining expenses करने के लिए ग्रांट मिली थी। The grant was underlined
कंडीशनल अपॉन द कंपनी माइनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स. क्या उसकी नेसेसरी कंडीशन थी? एटलीस्ट इनिशियली इट वॉज एक्सपेक्टेड, शुरू में एक्सपेक्टेड था दैट कंपनी कैन मीट दिस कंडीशन एंड देयरफॉर इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज द ग्रांट एज इनकम इक्वली ओवर 2 ईयर्स. The company ceased mining on 30th September 12. कितने अरसे बाद? एक साल और 9 महीने बाद. क्या 2 साल से पहले? Due to unforeseen circumstances. हम ऐसे circumstances को foresee करने की position में नहीं थे. ये foresee क्या होता है? अंदाजा नहीं था, अंदाजा नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए जो हम हमारी एक्सपेक्टेशन में नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड थे और उनकी वजह से हमें माइनिंग ऑपरेशंस बंद करने पड़े. समझ गए? बट नजर नहीं आ रहे थे. अनफोर्सीन, फोर्सी होता है जो हम नजर तो नहीं, मतलब जिसका अंदाजा लगाया जा सकता हो, प्रेडिक्ट किया जा सकता हो. अनप्रेडिक्टेबल कह रहे, अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस, ठीक होता है अनप्रेडिक्टेबल. The terms of the grant required that the grant be repaid immediately and full. देनी भी immediately है और देनी भी पूरी, पूरी ही वापस करनी है. Mining expenses incurred to date were as follows. 11 में कितने? 12 में कितने required? Show the generalities assuming company recognized grant directly as income. और नंबर टू इनडायरेक्टली एज इनकम, ये भी होता है इनडायरेक्ट. आई शुरू करो. सिनेरियो ये समझ रखो, डबल एंट्री सर, पहली कैश डेबिट, बस टेक इट एज रिवीजन हो यार. कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम हाउ मच? 10,000. ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट सब साथ है. नेक्स्ट डेट 31 दिसंबर, 11 पे रुकने की वजह रिकॉर्ड करें एक्सपेंस. माइनिंग एक्सपेंस डेबिट, माइनिंग एक्सपेंसेस डेबिट, कैश डेबिट. ये कौन सी एंट्री है सर? माइनिंग एक्सपेंसेस डेबिट इनकम क्रेडिट. ये दोबारा एंट्री बोलना, बताएं इस एंट्री का की, इस एंट्री की सेंस क्या है, इस एंट्री का फायदा क्या है? 80,000 से एक्सपेंस बढ़ रहा है और 80,000 से इनकम बढ़ रही है, तो रहने ही दें सर इसे. अगली एंट्री बोर्ड पे ढूंढने की बजाय सवाल में देखें. सेम डेट पे क्या जहन में आना जरूरी है? उन्होंने कितनी बताई हुई है उसने, किस तरीके से बताई हुई है? इक्वली 2 ईयर्स उन्होंने गई अंडरलाइन कर. डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, वो एक फेवरेट सवाल मैंने नहीं पूछा यार, वो सवाल कहां तक पहुंचे ईपीएस के, आपका भी फेवरेट हुआ और वही जवाब है. अभी रहते हैं, पेज नंबर बता दें.
ठीक है बेटा, लेकिन जी डी एन ये 5,000 था, कैसे पहुंचा मैं 10,000 डिवाइड बाय 2। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेहतरीन जा रहे हैं, 7-8 डन हो गए, बाकी इंशाल्लाह आ जाओ माशाल्लाह। जी सर नेक्स्ट डेट सर 31 दिसंबर 12 कहना मुनासिब नहीं है, जरा डाटा देखा जरा। माइनिंग ऑपरेशन 30 सितंबर में रुक गए हैं, तो फिर 30 सितंबर तक खर्चा हुआ होगा, ये साथ साथ रही है मेरे साथ 30 सितंबर 12 माइनिंग एक्सपेंस डेबिट। माइनिंग एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट बाय रुपीज 60,000। शायद ये खर्चा होगा ही 9 मंथ्स का, क्या ख्याल? जब माइनिंग ऑपरेशन ही सीज हो गए तो उससे पहले पहले क्या खर्चा होगा? ये उस तरह से कोई एसेट तो बेटा है नहीं कि पूरे साल के डेप्रिसिएशन में से 9/12, क्या ख्याल? ये सेम डेट पे इसको लिंक उसी तरह से कर लें जिस तरह वो शायद सरप्लस ट्रांसफर वाली बहस थी, 9 मंथ्स की पहले ग्रांट इनकम बना लें, बननी चाहिए, वैसे बननी चाहिए सर। अब ग्रांट इनकम बनवाएं कैसे बनेगी? जी ठीक है ठीक है, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, कैसे 10,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 9/12 3,750। ठीक है आएगा तो वही, लेकिन मेरे ख्याल तरीके ना बदलें, जिस तरह पहले किया वैसे ही करें, 9/12 बस बीच में आ जाएगा, 7/12 8/12 जो भी होता, ये समझ आ गया प्लीज। अब सेम डेट दोबारा लिखने की वजह बताएं। हाँ जी अब आप लोग इस तरह करें, ये डेट के पेज नंबर 53 पे चले जाए, और जो वो एक पैराग्राफ सा पढ़ा था उसको जरा एक दो दफा बोल के सही तरह सेट करके बता दो। जी सर सही है सही है, एक उंगली बाहर रख के वापस आ जाए पेज नंबर 53 पर। बताएं कैश वापस कितना करना है? सारा कैश तो हो गया क्रेडिट, अब पहले क्या ढूंढना है? बैलेंस ही फैनी ढूंढने, जरा अपनी एंट्री देखकर डेफर्ड ग्रांट इनकम आ कितनी गई थी 10,000, 5,000 ट्रांसफर हो गई, 3,750 भी ट्रांसफर हो गई, तो बैलेंस इफ एनी है कितना? तो डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट बाय 1,250, बैलेंसिंग फिगर बताएं 8,750 क्या है? क्यों एक्सपेंस पता है आपको? ना ना नहीं, क्योंकि इतनी ही इनकम भी रिकॉर्ड हुई हुई है, 9,850 जो इनकम रिकॉर्ड हो गई थी उसे भी तो रिवर्स होना, सिंपल सी बात है, उस इनकम का रिवर्स करना है, तो ग्रांट इनकम डेबिट कह लें या एक्सपेंस डेबिट कह लें, बात एक ही बन जाएगी। ये खर्चा देखिए, ये खर्चा असल में हमारा ही है, फिर हम समझ रहे थे ग्रांट मिल गई, हम शुरू हो गए इनकम बनाना, और बाद में पता चला कोई नहीं मिली, नहीं नेट इफेक्ट ये है। मांग लिया जिन्होंने दी, उन्होंने कंडीशन रखी हुई थी कि 2 साल अन एटलीस्ट काम करना, हमसे वो कंडीशन मीट नहीं हो पाई, लग रहा था हो जाएगी लेकिन मीट नहीं हो पाई, तो कंडीशन अगर सर जी मीट ना हो सकता है पैसे वापस करने पड़ जाए, पैसे आते तो अच्छा लगते हैं, देने पड़ जाए तो देने पड़ जाते हैं। और बेटा प्लीज कैलकुलेटर पे आया, इस तरह ना करें काइंडली। 1,250 कैसे आया है? 10,000 डेफर्ड ग्रांट इनकम बेटा थी 10,000 माइनस 5,000 बेटा इनकम बन गई थी, और फिर 3,750 भी इनकम बन गई, ठीक है, तो वर्किंग कार्ड ले लिखा था। नहीं बेटा बैलेंसिंग फिगर नहीं है,
बैलेंसिंग फिगर 8750 है, 8750 फिर बैलेंसिंग निकाला, तो 10,000 माइनस, या बैलेंसिंग ठीक है लेकिन कैलकुलेशन ये बार इसकी, 10,000 आया, 5,000 डेबिट हुआ और फिर 3750 डेबिट होके 1250 बचा, और जो एक्स्ट्रा कैश गया वो फिर 8750 बैलेंसिंग फिगर आई। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। अच्छा, इसकी एक रिक्वायरमेंट बी भी है, उसको मेरा ख्याल एंट्रीज के साथ देख के चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में बोलना है, दोबारा लिखने की शायद जरूरत नहीं। नहीं, एक एक करके जरा सारी बोलने, आप लोग इंडिविजुअली बोलना। ग्रांड इनकम जहां वर्ड लिखा हुआ है वहां माइनिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा, ऐसे ही है क्या? रीपेमेंट की एंट्री सेम रहेगी? सोचो सोचो, मेरा ख्याल है एंट्री सेम रहेगी। डेफर्ड ग्रांड इनकम का बैलेंस अभी भी इतना ही होगा, बस वो इनकम के बजाय एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा होगा, देख लेना तसली से। बल्कि मेरा ख्याल है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 71 पे इसका एक आंसर लिखा होगा, सोल्यूशन टू द एग्जाम्पल 9B। अपना आंसर इसके साथ कंपेयर करके देखना, दरमियान में, पेज नंबर 71 के दरमियान में। ये बड़ा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई सवाल तो नहीं रह गया? क्लियर हो गया सारे? पहली एंट्री वही है, एक्सपेंसेस की भी वही है, ठीक है। थर्ड एंट्री में ग्रांट इनकम की जगह माइनिंग एक्सपेंसेस वर्ड आ गया, फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ, देन उसके बाद सेम एंट्रीज, क्या ख्याल है? सेम क्यों है? पैसे जब वापस कर रहे हैं तो डेफर्ड ग्रांट इनकम का बैलेंस मौजूद है, तो पहले वो डेबिट हुआ, जो एक्स्ट्रा बचा वो प्रॉफिट लॉस में चला। क्लियर हो गया? आ रहे वापस 53 पेज। ये ग्रांट इनकम की जगह बस एक्सपेंसेस क्रेडिट हो, और स्पेसिफिकली स्पीकिंग माइनिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट हो। पेज 53 रहा, पहले समराइज समराइज फॉर्म में देखें। जी सर, कौन सी ग्रांट की रीपेमेंट का मसला हो गया? राइट साइड पे आ रहे, ग्रांट फॉर एसेट्स पे आ रहे। ग्रांट फॉर एसेट्स की गेम भी आपको पता तो है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या? क्या हो सकता है कि जो ग्रांट मिली हो फॉर एसेट्स, उसे हमने अलग-अलग डेफर्ड इनकम बनाया हो? एसेट्स के अगेंस्ट ग्रांट मिली है एंट्री बोले, डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट, इसका करना क्या है? कैश कैश का एसेट खरीदने की एंट्री बोला है, एक तरफ एसेट नजर आना शुरू हो गया है, एक तरफ डेफर्ड ग्रांट इनकम नजर आना शुरू हो गई है। आगे फिर क्या करेंगे? फिर दो तरीके हैं, एक तरीका क्या है? पहला कि डेप्रिसिएशन चार्ज करें और उधर से ग्रांट इनकम बनाते रहे, अगर तो ऐसे कर रहे होंगे डायरेक्ट मेथड है और रीपेमेंट हो जाए तो कोई इशू नहीं, रीपेमेंट हो जाए तो क्या पॉसिबल है इस केस में कि डेफर्ड ग्रांट इनकम का बैलेंस आ रहा हो? सर हो सकता है सर, क्या हो सकता है? वो कम आ रहा और कैश ज्यादा देना पड़ जाए तो क्या डबल एंट्री हो जाएगी? डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, कैश क्रेडिट और बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस डेबिट। पढ़ के देखे जरा, लेफ्ट बॉक्स पे नीचे वही लिखा हुआ, डेबिटेड फर्स्ट अगेंस्ट द बैलेंस ऑन द डेफर्ड इनकम अकाउंट एंड द बैलेंस इफ एनी इन द प्रॉफिट एंड लॉस। व्हाई सेम? व्हाई सेम? क्योंकि डेफर्ड ट्रीटमेंट में तो सेम है ना, उधर भी तो डेफर्ड इनकम बनाई गई,
तो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, अगर आपने डेफर्ड इनकम के तौर पे लहजा से ट्रीट की हुई है तो पहले क्या ढूंढे, डेफर्ड ग्रांट इनकम का बैलेंस अगर मौजूद है तो पहले उसको डेबिट कर लें, कैश क्रेडिट करके बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस लें, और अगर नहीं है इंशाल्लाह बाद में करते हैं बात, ठीक है? ऐसे ही एग्जांपल 10A ढूंढना, पेन नंबर 72, टेन टेन लिखा हुआ, उसी में फिर ए और बी दो रिक्वायरमेंट्स है, ये ढूंढेंगे 10। लोकल गवर्नमेंट ग्रांटेड अ कंपनी 10,000 ऑन 1 जनवरी 2011 टू असिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इज इट ग्रांट फॉर एसेट्स, फॉर डेप्रिशिएबल एसेट? एम ऑन द ग्रांट वाज कंडीशन अपॉन द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 अनब्रोकन ईयर्स। ये क्या मतलब हुआ ब्रोकन ईयर्स? दो मुसलसल साल ब्रेक ना आए बीच में। कंपनी परचेज द प्लांट ऑन 1 जनवरी 2011 फॉर ₹1 लाख। द प्लांट इज डेप्रिशिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स टू नील रेजिडुअल वैल्यू। कंपनी सीज्ड मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, क्या 2 साल से पहले? द टर्म्स ऑफ द ग्रांट रिक्वायर्ड द ग्रांट बी रीपेड इमीडिएटली एंड फॉल। द कंपनी इंटेंड्स टू रिज्यूम मैन्युफैक्चरिंग इन द नेक्स्ट ईयर। अब हमारा प्लान नेक्स्ट ईयर में तो है, लेकिन क्या कंडीशन वायलेट हो गई है? कौन सी? 2 अनब्रोकन ईयर्स रिक्वायरमेंट ए फॉर रीजनल एंट्रीज, अज्यूमिंग दैट ए रिकॉग्नाइजेज ग्रांट एज ग्रांट इनकम, डायरेक्ट इनकम, और इसका अल्टरनेट भी है वो फिर बाद में बात कर लेते हैं, छोड़ दे उसे, बस ए जेन रखे। सीरियस सीरियस गए सर, तरतीब सेट करें जेन में। 1 जनवरी 2011 डबल एंट्री, डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। जी सर कितनी? 10,000। ये प्लान डेबिट कैश क्रेडिट बाय ₹1 लाख। December 31, 2011 चार्ज करें जी। डायरेक्ट इनकम अप्रोच है, डेप्रिसिएशन अलग चार्ज करेंगे और ग्रांट को अलग इनकम बनाएंगे। 1 लाख माइनस 0 डिवाइड बाय 4 पूरा साल, ये 1 जनवरी से कटे नहीं आते। करे 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 ठीक है। जिस बेस पे डेप्रिसिएशन है उसी बेस पे फिर ग्रांट इनकम। डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, कैसे? 10,000 डिवाइड बाय 4
नहीं यहाँ तक कटे हो रहे, नेक्स्ट ईयर मेरे साथ की रहेंगे। ये बेटा 31 नवंबर 11 तक आगे सर, छोड़ दें फिर आगे। एक दो नई बातें भी हैं साथ सुननी है। 30 सितंबर 2021 से मिलाएं, क्या करें? डेप्रिसिएशन चार्ज करें, ट्वेंटी ट्वेल्व सॉरी। थर्टी सितंबर पे क्यों रुके अब हम? कैसे? 1 लाख डिवाइड बाय 4 9 बेटर इज इक्वल टू 1875। शुक्र है इस लम्हे पानी पी लिया, जान बच गई। जी सर, लिंक कर दें इसे किसके साथ करना? डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, ग्रांट इनकम 1875। कैसे? 10,000 डिवाइड बाय इनटू 9 बटो कट हो नहीं आप। जी सर जी, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि पेज नंबर 53 पे 1 मिनट चला जाए, और सेकंड बॉक्स नीचे, सेकंड लास्ट बॉक्स एक दफा पढ़ के आ जाए वापस। पहले वंस अगेन क्या ढूंढना है, और अगर है तो ठीक है, वरना फिर बाकी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दो। आ जाए वापस। कैश बताए कितना जाएगा? 10,000। डेफर्ड ग्रांट इनकम का बैलेंस कितना मौजूद है? हाँ जी ठीक है, वर्किंग कर ले इसकी। दस हजार माइनस 2500 माइनस 1875 5625, डिफरेंस आ गया 4375। एक्सपेंस टैब, एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में डाल। ठीक है सर, ये ज्यादा क्लियर। अब सर जी एक जरा अजीब सी बात आपको महसूस होगी, पता शायद हमें है लेकिन आज से सोचना शुरू करना है ताकि ये बात भी फाइनल हो जाए। मैंने दोबारा 31 नवंबर 12 डेट लिखी है, अपना जरा दोबारा सवाल देखें, क्या वापस किए?
कैश, क्या एसेट वापिस कर दी? तो क्या एसेट बस 9 मंथ से डेप्रिशिएट होगा? देखिए असल में डेप्रिसिएशन स्टार्ट कब होती है और कब तक चार्ज होती रहती है? जब तक एसेट डी रिकॉग्नाइज ना हो जाए, डिस्पोज ना हो जाए, या फुली डेप्रिशिएट ना हो जाए। फुली डेप्रिशिएट का मतलब जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी वो कर दी। फर्ज करें 10 साल लाइफ थी, हमने 10 साल में उसे डेप्रिशिएट कर दिया, एंड में पता चला कि अभी इस्तेमाल के काबिल है, तो ठीक है इस्तेमाल हो भी रहा है लेकिन डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। आइडियल तो क्या है कि हम एस्टीमेट चेंज कर लेते, अगर लग रहा था कि 10 साल ज्यादा चल जाएगा तो एज पर आई एस्टीमेट चेंज कर लेते, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं भी किए लेकिन एसेट फुली डेप्रिशिएट हो गया है तब फर्दर डेप्रिशिएट नहीं हो सकता। मसलन एक एसेट 10 लाख का है, उसकी मैक्सिमम डेप्रिसिएशन 10 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। कभी भी ये नहीं कि एसेट नेगेटिव हो गया, 10 लाख कॉस्ट ही 20 लाख एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो अगर मैक्सिमम उसकी डेप्रिसिएशन जो हो सकती है चार्ज हो गई हो तो एसेट कहलाएगा फुली डेप्रिशिएट। लेकिन अगर फुली डेप्रिशिएट होने से पहले डिस्पोज ही कर दिए फिर भी हमारा नहीं रहा, डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगी। कब शुरू होगी, कब तक होती रहेगी? या डिस्पोजल हो जाए या फुली डेप्रिशिएट हो जाए। डाटा पढ़े अपना, क्या एसेट डिस्पोज कर दिए, फुली डेप्रिशिएट हो गया? अच्छा ये भी क्लियर रखिएगा, मेरा ख्याल आखिरी 3 महीने यूज नहीं हुआ। पढ़े पढ़े, हाँ जी यूज हुआ नहीं है। क्या चीजें पड़ी पड़ी भी खराब होती रहती? असल में एक बचपन जरा ज़हन आया, तो डेप्रिसिएशन के तरीके 5 है। इन्वेंट्री का एक मेथड है, एक बैड डेट्स मेथड, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, ड्यूसिंग बैलेंस है, सम ऑफ डिजिट्स है, आ रहे सारे आने लगे, आने दोबारा आने लगे, मेरे यूनिट्स मेथड है, मशीन आर मेथड है। अच्छा यूनिट्स और मशीन आर अगर मेथड हो जिनका ताल्लुक होता है कि जितने यूनिट्स बनाएंगे उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन है या जितने घंटे चलेगी, तो अगर तो एसेट इस्तेमाल नहीं हो रहा तो फिर तो आर्स यूज नहीं हुए, यूनिट्स नहीं बने, फिर तो डेप्रिसिएशन डेफिनेटली चार्ज नहीं होगी। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, इनका कोई लिंक फिर मेथड्स का एसेट के यूज से नहीं है, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग सम ऑफ डिजिट्स, इनका ईयर वाइज बस सारा काम है। तो अगर मशीन और मेथड हो या यूनिट्स मेथड हो फिर तो आइडल एसेट अगर पढ़ा रहे, आइडल पारे पारे काम नहीं हो रहा, नहीं इस्तेमाल हो रहा, फिर तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो सकेगी। ये कहना कि डेप्रिसिएशन हो नहीं रही ये नहीं है, हम चार्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स लिंक्ड है और आज इस्तेमाल ही नहीं हुए। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो मेथड यूज होते हैं स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग, इसमें आइडल एसेट भी डेप्रिशिएट होता जाता है। डेप्रिसिएशन स्टार्ट कब होती है, एंड कब होती है, और अगर रास्ते में कभी टेम्पररी आइडल रह जाए तो इवन देन एसेट डेप्रिशिएट होता रहेगा अनलेस मशीन आर, नहीं वो तो बात ही खत्म हो गई, अनलेस मशीन आर या यूनिट्स मेथड यूज हो रहा हो। ये मैंने जो बातें की हैं अभी इंशाल्लाह एक आध दिन में आपके सामने लिखी भी आ जाएंगी, तो इसको एसेट को लिखने की जरूरत नहीं है अभी हमें, लेकिन बात मेरी पूरी समझ आ गई। तो वाई आखिरी 3 महीनों के डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे? एसेट कहीं नहीं गया, एसेट कहीं नहीं गया, दोबारा देख लो, एसेट नहीं गया, हुआ क्या है कि जो हमें पैसे मिले थे वो रिटर्न करने पड़े, एसेट हमारा ही है, हमने खरीदा था, लेकिन अब वो एसेट सारा फिर हम ही डेप्रिशिएट भी करें। हमने फिलहाल कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिए, आ जाए फर्दर 3 मंथ्स की भी चार्ज कर। आईडी वैसे तो ये भी कर सकता था मैं कि बात बताए बगैर पहले ही आपको 12 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेता, लेकिन आप इसी तरह का लिंक रखें, 9 मंथ्स यूज हुआ, 9 मंथ्स की इनकम बन गई, फिर रीपेमेंट हो गई, लेकिन अगर रिमेनिंग टाइम पीरियड है तो फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करके आगे चलो। जी बेटा बात ठीक है।
एंट्री बनाते बनाते सोचें कि अगर आप एक नया मोबाइल लें और ला के उसे घर रख दें, टीवी ऑन करें, नई एड देख के अगला मोबाइल लेने चल पड़े और पुराना जो है वो ड्रॉअर में रख दिया बस, और नया लिया और इसी चक्कर में बस जिंदगी में पड़े रहे। तो 3-4 साल बाद वो ड्रॉअर खुला, वो पुराना मोबाइल खराब शायद ना हुआ हो, लेकिन अब अपनी डेप्रिशिएट भी उस तरह से नहीं, आउटडेट हो गया होना, ऑब्सलीट हो गया होना, तो वो बग गई। पैसे बस डैडी के हैं, पहले पहले मोबाइल के पास पैसे कौन सा जेब से निकाले। जिस दिन पहले मोबाइल के पैसे जेब से निकलेंगे ऐसी हरकतें ठीक हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि डैडी के पैसे हैं एंड वी लव डैडी, डैडी अपने हैं और साथ बस ये याद रखा करें एंड वाइस वर्सा, हम भी डैडी के। तो जिस दिन हम बड़े हो जाएंगे, हमें अगर कभी पैसे मिल गए तो वो भी डैडी के ही होंगे। आवाज निकली सही है, जो डैडी कमा रहे हैं वो सारे हमारे हैं। डैडी कमा क्यों रहे हैं, पाल लिए तो है, उनकी बचाने की क्या जरूरत है। हमारी कौन सी जरूरत है भाई, हमारी जरूरियात के पीछे बेचारे पड़े हैं डैडी हमारी, या ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं बेचारे। हमारी जरूरियात पूरी करने के लिए दिन रात एक उन्होंने किया, हमारी ख्वाहिशात ही दुख नहीं रही। डैडी ये भी चाहिए, वो फलाने के पास ये भी है, चाहे जरूरत हो ना हो उसके पास वो कैलकुलेटर है। अगर डैडी पूछे पुराना यूज किया कभी, फिर क्या हुआ, होना वो चाहिए, चाहे डब्बे में ही हो, दोनों चाहिए। 6 से 5 दिन मैंने आपसे 10 दिन पहले भी कहा था, फीस जब जमा करा रहे थे आप लोग, कि फीस जमा कराने से पहले डैडी जेन में लाए। मसला ये बन गया, अब फीस जमा करवाने के बाद मेरे से लोग मिलने शुरू हो गए। सर आज एक साहब आए, सर 2 महीने के लेक्चर में रहते हैं, तो अब ये याद क्यों आया। आज से 10 दिन पहले भी 1 महीने 20 दिन के रहते होंगे, फीस जमा करवाने के बाद सब कुछ अब याद आ रहा है। नहीं मतलब आज से 10 दिन पहले, अगर आज 2 महीने के रहते हैं तो 10 दिन पहले 1 महीना 20 दिन के तो रहते होंगे। और मैंने उसे कहा भाई जान अब नहीं आपसे खबर होना, वो आराम से मुतमिन चला गया। मैं सिर्फ सोच ही रहा था कि यार इसने फीस जमा कराई है, पहले क्यों नहीं सोचा, बस ठीक है। आई कैब एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वापिस आने पे 53 भैया जहरी सी बात सर खुदा के लिए, और ये अल्लाह मेरे मेरे बद मौला, रेमेनिंग लाइफ कहाँ से बीच में आ गई, WDV कहाँ से आ गई। लाख और सर जाने दें, उसका ये ना कर दीजिएगा, लाख और लाख वाला एसेट है यार, लाख तो है हमारा, और ग्रांट सेपरेट इनकम बनी हुई है। लाख का एसेट है आपके जेहन में, दूसरा मेथड है जो भी आने लगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट बड़ा नोट कर लिए, बस करें बेटा प्लीज वापिस आ जाए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट कर लिख चुके हैं, पेज नंबर 53 एक लास्ट स्टोरी। सीरियस सीरियस सीरियस, जी बेटा ग्रांट रिलेटेड एसेट में ही हम और रीपेमेंट पढ़ रहे हैं। एक आखिरी चीज सजी ना किया करें, अगर ग्रांट फॉर एसेट है तो एक काम ये भी होता है कि आपको राइट बॉक्स में ऊपर नजर आ रहा, सेकंड लास्ट बॉक्स सॉर्ट ऑफ कह लें, ग्रांट मिली कैश में एसेट के लिए पहली एंट्री बनाए, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट, एसेट खरीद लिए एंट्री बोलो। अब एक इनडायरेक्ट अप्रोच भी है, ऊपर देख लेता जाकर थोड़ा थोड़ा ऊपर 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 ऊपर
इनडायरेक्ट अप्रोच ये थी कि डेफर्ड ग्रांट इनकम को एसेट में से नेट करके रिड्यूस डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। तो फिर थर्ड एंट्री हो जाएगी डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट एसेट क्रेडिट। आता है याद, इस एंट्री से क्या होगा, डेफर्ड ग्रांट इनकम खत्म हो गई और एसेट की कॉस्ट नेट रह गई, फिर वो नेट अमाउंट बस डेप्रिशिएट हो रही है। अब इनकम बनने का कोई काम इनकम है ही नहीं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने ये वाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज किया हो कि हमने ग्रांट को एसेट में से नेट कर लिया हो और बाद में ये पैसे रीपे करने पड़ जाए, तो अब क्या करें। सवाल ये, सबसे पहला ये है कि अब डेफर्ड ग्रांट इनकम का बैलेंस मौजूद ही नहीं हो सकता, वो तो किस दिन खत्म हो गया था, जिस दिन हमने एसेट और ग्रांट ले ली थी उसको फिर आपस में नेट कर दिया होगा उसी दिन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाना, आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर सोचना जरा। फिगर अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम ग्रांट 1 लाख थी, एंट्री दोबारा बोलना, एसेट 4 लाख का था, थर्ड एंट्री बनी डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट 1 लाख, एसेट क्रेडिट 1 लाख, 3 लाख फिर फ्यूचर में डेप्रिशिएट होगा। अब बेटा अगर फर्ज करें 1 लाख रुपए वापस करना पड़ गया तो डेफर्ड ग्रांट इनकम का बैलेंस तो नहीं आ रहा, कैश तो क्रेडिट ही होना है। अगर ऊपर वापस जाए जो पहली एंट्रीज की होंगी हमने, थर्ड एंट्री खासतौर पर, हमें तो लग रहा था कि 4 लाख वाला एसेट ग्रांट मिल जाने की वजह से हमारे लिए बस 3 लाख का पड़ा, और हकीकत भी यही है, 4 हमारा गया था 1 मिल गया था, हमारा ख्याल था कि एसेट 3 लाख का ही नेट रह गया है। लेकिन क्या 1 लाख वापस जाने का मतलब ये तो नहीं कि एसेट अब दोबारा 4 लाख का ही हो गया। एसेट 4 लाख का था, 1 लाख ग्रांट मिली थी, हमने नेट ऑफ कर लिया, मतलब कि एसेट बस 3 लाख का ही है, यही डिप्रिशिएट कर लेंगे। इसी वजह से अगर ग्रांट वापस करनी पड़ गई है तो इसका मतलब फिर एसेट तो 4 लाख का ही पड़ा, तो देर फिर आप क्या करेंगे, एसेट दोबारा डेबिट 1 लाख से और कैश क्रेडिट, किस चीज की एंट्री, रीपेमेंट की, रीपेमेंट की, कैश क्रेडिट होके एसेट दोबारा डेबिट क्यों होगा, इसका मतलब एसेट दोबारा हमें उतना ही कहीं पड़ेगा। लेकिन जितने से अब दोबारा हम डेबिट करेंगे इस पे हमने पहले डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की होगी, इस लाख पे फिर हमने पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कब से कब तक नहीं की होगी, जब से नेट किया होगा वहां से लेके जब तक रीपेमेंट करें नहीं की होगी, तो फिर उतने अरसे की डेप्रिसिएशन भी इमीडिएटली चार्ज करनी पड़ेगी। डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट क्यों नहीं, उसकी जगह एसेट डेबिट होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, और जितने से फिर हम एसेट बढ़ाएंगे उतने पे हम डेप्रिसिएशन जिस दिन नेट एंट्री की होगी वहां से लेके जिस दिन रीपेमेंट होगी वहां तक चार्ज करेंगे। अब पढ़ के देखें लास्ट बॉक्स, डेबिट द एसेट अकाउंट एंड रेकोगनाइज कमुलेटिव का मतलब टोटल एडिशनल डेप्रिसिएशन इमीडिएटली इन प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पिछले सालों में डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और एसेट क्रेडिट करके हमने कोई गलत काम किया था, उस वक्त वो ठीक था, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से हमें अब ग्रांट रीपे करनी पड़ रही है, तो ये एज पर IS-8 एरर नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक नहीं कर रहे, एज अ चेंज इन एस्टीमेट ही कर रहे हैं, मींस जिस साल में रीपेमेंट करेंगे उसी साल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट और उसी साल में पिछली सारी डेप्रिसिएशन कम्युलेटिवली चार्ज करेंगे। पिछले सालों में नहीं जाने की जरूरत, वो कब जाना चाहिए, जब कोई गलती जानबूझ के कर दिया हो, पता था पैसे मिलने हैं नहीं, वापिस हो जाने, फिर भी लगे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे, तो अगर इंजॉयमेंट जानबूझ के गलत की है तो फिर तो डेफिनेटली रिटेन्ड अर्निंग्स ठीक होंगी, IS-8 आ जाएगा,
अदरवाइज अगर पहले लग रहा था कि कोई इश्यू नहीं है, हमने ग्रांट को नेट कर लिया था, बाद में कंडीशंस मीट ना होने की वजह से, किसी वजह से अगर ये पैसे रिटर्न करने पड़ रहे हैं, तो प्रोस्पेक्टिवली दो काम करेंगे, नंबर एक एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और नंबर टू जितनी कमोलेटिव डेप्रिसिएशन बनती है वो इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस पर चार्ज कर लेंगे। इसकी दो एंट्रीज अगर लिख सके हम, कोशिश करके राइट साइड पर जगह बना ले या नीचे। ये पहली एंट्री एसेट डेबिट, जितनी से ग्रांट रीपे होगी, और फिर डेप्रिसिएशन डेबिट, एक एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कब से कब तक, नेट ऑफ डेट से लेके रीपेमेंट डेट तक। थोड़ा सा रिवर्स हो गया, अकॉर्डिंग कर लो, बचपन याद आ रहा है, परचेज डेट से लेके डिस्पोजल डेट तक। बचपन सर बड़ा कीमती होता है सर, अगर हम बचपन को अपनी जिंदगी से निकाल दें तो यहाँ हम नहीं पहुंच सकते थे सर। आइए भागते हैं आप एग्जाम्पल नंबर 10B पे। पेज नंबर 72, नहीं बेटा 74 पे, पेज पे इसका आंसर है, पहले क्वेश्चन की तरफ है। पेज नंबर 72 पे जो डाटा था यही बी रिक्वायरमेंट के एंगल से होना है। एग्जाम्पल नंबर 10B रिकॉग्नाइजेस ग्रांट एज रिडक्शन ऑफ द, चले सर शुरू करें एंट्री, क्या करना आप, पहली एंट्री शुरू करें, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट, ये कर लीजिए दरवाजा बंद कर दो, ये लास्ट। ये सेकेंड एंट्री सर, प्लान डेबिट कैश क्रेडिट, पति बना लीजिएगा बस। अब थर्ड एंट्री सेम डेट, नेक्स्ट एंट्री डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट बाय रुपीज 10,000, एंड प्लांट का है, ठीक है। ये प्लांट रह कितना गया, गेम कर दे ऑन, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कैसे 90/4 22,500। सर जी कंसंट्रेट करें, क्या करी जा रहे, नोट डिस्टर्ब होते थे।
डेफर्ड ग्रांट इनकम ट्रांसफर करें, कैसे होगी कि ये बगैर ही होगी यार। 30 सितंबर पे आए नेक्स्ट ईयर, नाइन्टी थाउजेंड डिवाइड बाय फोर इंटू नाइन बाय ट्वेल्व, आंसर 16875। जी जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आखिरी एंट्री मेरे साथ की देखिए। थर्टीएस सितंबर ट्वेल्व क्यों रुके इस दिन? बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल, एक याद हो जाएगा, पेज नंबर 53 पे चलेगा, देख के अप्लाई कर दो। प्लान डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 10,000 से, आराम से आराम से, ठीक है जी। सेम डेट पे अब एक साल और 9 महीने, 1 year and 9 months की डेप्रिसिएशन अब इमीडिएटली चार्ज होनी है। किस पे? 10,000 पे। कैसे? 10,000, 10,000 डिवाइड बाई चार, ये हो गया 25,000, 2500। अब डेफिनेटली आपकी चॉइस है, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। प्लस आसान सा तरीका, प्लस 2500 इंटू 9/12, ये क्या किया मैंने, फर्स्ट ईयर 2500 और 2500 9/12। एक काम और भी बचपन में इसकी सीखा था शायद, 1. how many years 9/12 कैलकुलेटर पे लिखे, इसे रिवाइज करें जरा, इस तरीके को रिवाइज करें, 9/12 कैलकुलेटर पे लिखें। एक साल तो पूरा हो गया ना, 9 months गुजरने का मतलब 12 में से 9 months गुजरने का मतलब 0.75 years बनते हैं, तो और करके कैसे लिख सकते हैं, 2500 सॉरी इंटू 1.75, ये 1.75 वाली बात समझ आती, 0.75 9 months, एक साल में 9 months, 12 महीनों में से 9 है, अगर 8 महीने हो तो करके दिखाएं जरा, 8 बटा 12 क्या बनेगा, 0.83 शायद, 0.6 समथिंग, ठीक है। और अगर 11 महीने हो तो 11.11 नहीं हो जाना इसमें, अकॉर्डिंगली 12 महीनों में से परसेंटेज बनानी, तो 0.75 से करके देखें, आंसर इंशाल्लाह सेम ही है। फाइनली कितनी डेप्रिसिएशन बनी लिखे मेरे, ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए, ये क्या एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 4375, ये एक लास्ट एंट्री कर लें, फर्दर 3 months की स्टोरी याद कर लें। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, बेहतरीन बात होगी,
आफ्टर दिस आफ्टर दिस एंटिटीज एसेट दोबारा कितने पे चला गया? ठीक है, क्लियर हो गए? अब दोबारा 1 लाख भी आएगी यहाँ भी, दोबारा 1 लाख पे ही आएगी, 90,000 पे भी आएगी और उस 110 पे भी आएगी, तो दोबारा डेबिट हो गया जी फॉर द 3 मंथ्स डिवाइड बाय 4 into इज इक्वल टू 6 to 5। पेज नंबर 78 पे आ गए। पेज नंबर 78 एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 12। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट इकट्ठे हो गए, ये बड़ा लास्ट में ऐसे जो 3 मंथ्स और इस्तेमाल हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स जो फर्दर हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज रहा है, तो उसकी स्ट्रेट लाइन मेथड की बेस पे 3 महीनों की डेप्रिसिएशन, जैसा भी 10A में बात हुई थी। 90 का एसेट डेबिट हो गया था, लेकिन बाद में दोबारा 10,000 बढ़ के 1 लाख पे दोबारा चला गया, तो एसेट अगर अवेलेबल है तो फर्दर 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2012 अहमद लिमिटेड रिसीव्ड 3 ग्रांट्स, डिटेल्स ऑफ विच आर सेट आउट बिलो। नंबर ए, ऑन 1st September 11 अ ग्रांट ऑफ 40,000 फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट, दिस ग्रांट वॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ 70,000 विच AL हैड इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। आप इतना कोई ओपिनियन बना ले, मैं फिर बाद में बताता हूँ, कुछ सोच लिए। पॉइंट टू, ऑन 1st नवंबर AL बॉट अ मशीन ऑफ 3,50,000, अ ग्रांट ऑफ 1 लाख वॉज रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफ दिस परचेज, द मशीन विच हैज अ रेजिडुअल वैल्यू 50,000 is depreciated on straight line basis over a period of useful life 5 years. क्या ये ग्रांट फॉर एसेट है? क्या फॉर डेप्रिशिएबल एसेट है? फिर डायरेक्ट मेथड भी है और इनडायरेक्ट भी है। नंबर थ्री, ऑन 1st June 12 अ ग्रांट ऑफ 1 लाख फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट, ऊपर कॉमन एक लाइन चल रही है, रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, रिसीव 3 ग्रांट्स, 1 लाख और मिला है गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, दिस ग्रांट वॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ रीलोकेशन, का मतलब होता है शिफ्टिंग, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग किसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाना। दिस ग्रांट वॉज रिस्पेक्ट ऑफ रीलोकेशन कॉस्ट दैट AL हैड इंकर्ड, आराम से आराम से, मूविंग पार्ट ऑफ द बिजनेस फ्रॉम आउटसाइड द लोकल एरिया। ये आजकल जरा पोल्यूशन और इस तरह के फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, काफी आपने भी होपफुली वर्ड सुने होंगे, फैक्ट्रीज अगर शहरी इलाकों में हो, अगर आबादी के अंदर को फैक्ट्रीज हो, तो फिर गवर्नमेंट की ख्वाहिश होती है कि ये फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज जो आबादी से बाहर शिफ्ट हो जाए, ताकि आवाम की हेल्थ को
फर्क ना पड़े, मुतासिर ना हो, इसको जहन में रखे दोबारा पढ़ो। The grant was in respect of relocation cost that the AL had incurred moving part of its business from outside the local area. समझ आता है? The grant is repayable in full unless AL recruits 10 employees locally by the end of 30th June 12. Condition इसके साथ ये है के 10 employees रखने हैं लोकली जो उस एरिया के हैं। कब तक रखने? AL is finding it difficult to recruit as the local skill base does not match with the needs of the business. लोगों में जो लोकल इलाके के लोग हैं उनमें वो स्किल नहीं है जो हमें रिक्वायर्ड है, तो हमें बड़ा मुश्किल लग रहा है कि हम ये रिक्रूटमेंट कर सकेंगे। रीपेमेंट हो गई है या क्या है ये? क्या ग्रांट हमें मिली थी और लग रहा था कंडीशन मीट हो जाएंगी? कहां लगा जनाब? क्या ग्रांट मिलते ही महसूस हो रहा है? ली कब है और पता कब चल रहा है? 30th जून महीना गुजरा, क्या 1 जून पे एंट्री बताएंगे आप? ग्रांट इनकम क्रेडिट इनकम बना ले, मिलते ही इनकम बना ले, डेफर्ड ग्रांट इनकम। क्या कोई कंडीशन अटैच है साहब? क्या कंडीशन अटैच है? देखिए मिली शिफ्टिंग के लिए, लेकिन शिफ्टिंग कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्या है कि 10 बंदे रखने हैं, पड़ेगा ध्यान से। तो यकम को क्या एंट्री करेंगे और 30 जून पे क्या एंट्री करेंगे? मेरा ख्याल है ये लास्ट लाइन शायद ये कहती है कि ये ग्रांट करनी वापस ही पड़नी है, तो शायद ये डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट करके पेबल क्रेडिट होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग डेफर्ड ग्रांट इनकम? फ्यूचर में इनकम बनाएंगे, अनअर्न्ड तो है लेकिन बना लेंगे, लेकिन क्या लग रहा है कि इनकम बना लेंगे? लग रहा है वापस करनी पड़नी है, तो पेबल में कन्वर्ट हो जानी चाहिए लाइबिलिटी। सोचो अब दोबारा, लग रहा है पैसे ही वापस देने पड़ने, ये इनकम नहीं बनने, तो अगर इनिशियली हम हेड बना भी लें डेफर्ड ग्रांट इनकम, तो ईयर एंड पे इन आखिरी लाइन के वर्ड से महसूस हो रहा है कि शायद अब गेम वापसी की तरफ ही जानी है। शायद ये नहीं हुआ कि हमने कुछ अर्सा गुजार लिया, पहले लग रहा था कंडीशन मीट हो जाएगी, हमने इनकम बना ली और उसके बाद रीपेमेंट की बारी आई। अभी रीपेमेंट वैसे हुई भी नहीं है मेरा ख्याल, पढ़ी का सेंटेंस क्या है, लेकिन क्या लग रहा है देने वापस ही पड़ने? हाँ ये वर्किंग शुरू करते हैं, फिर आप डिसाइड कीजिएगा करना क्या। रिक्वायरमेंट पढ़ने शो जनरल एंट्रीज ऑन हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बड़ी याद है, फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 12 अंडर बोथ द ऑप्शंस दैट इज सेपरेट इनकम डिडक्शन। तो आज पहली एग्जाम बहस शुरू कर रहे सेपरेट इनकम से। अहमद लिमिटेड जी करवाना है कांडी आपने, और सोचा करें कोई इशू नहीं, डेट बोले जी। बाकियों को प्लीज चांस दें जी, सब लोग कांडी पॉइंट वन पढ़ लेते।
बताएं क्या करूं, ये फाइनल बता दे मुझे, पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं। ट्रेनिंग एक्सपेंसेस की एंट्री करूं? नहीं नहीं ट्रेनिंग एक्सपेंसेस की एंट्री करूं? नहीं हमारे साल में ही लगे हुए पढ़े, खर्चा हमारे साल में हुआ, डेट नहीं पता। पढ़े यार पढ़े, मतलब ये थोड़ी, क्या खर्चा हमारे साल में हो गया है और खर्चे की एंट्री करवा दे, खर्चे की डेट बताए, सही डेट नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि हुआ इसी साल में, हुआ इसी साल ऐसे, डेट अब अगर नहीं पता तो एंट्री कर लेते बस 30 जून, क्या डेट रेलिवेंट नहीं, अब मैं पता नहीं, मैं एंट्री तो करें, एंट्री होनी चाहिए वैसे, बोल रहे बात पूरी सुन ले पहले, ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट कितने से, दूसरा काम करवा दें फिर बाद में लिखेगा आप लोग, क्या ग्रांट मिली है, डेफर्ड बनाए उसे, क्या जिस खर्चे के अगेंस्ट मिली है वो खर्चा हो चुका है तो सीधी इनकम बनेगी, अभी ऊपर नीचे अगर हो जाए तो कोई इशू नहीं है, तो ग्रांट इनकम क्रेडिट देख ले रहे, ग्रांट इनकम स्टेट में बना रहा हूँ, वजह हैड ऑलरेडी इंकर्ड, खर्चा हो गया है, पैसे मिल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लिख लो पास्ट एक्सपेंसेस की लग रहा है, हैड इंकर्ड दिस ग्रांट वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट व्हिच एएल हैड इंकर्ड, डेफिनेटली मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने ऊपर नीचे अगर एंट्री लिख दिया, खर्चा पहले हुआ है लेकिन डेट नहीं है ना सर, तो कोई नहीं ऊपर नीचे करो, एनी कंफ्यूजन, बढ़िया आगे सेकंड पैराग्राफ देख, चलिए सर तरतीब बना ले सर, पहली डेट 1 नवंबर, पहले ग्रांड ले ले मेरा ख्याल, बड़ा तरतीब बन जाएगी, मतलब डेफिनेटली ऊपर नीचे हो रहे फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे मुझे लग रहा है कि पहले कैश लेने में इंटरेस्टेड हो, कैश लें जी, एंट्री बोले डेफर्ड ग्रांड इनकम क्रेडिट, ग्रांट फॉर एसेट्स है, अमाउंट है इसकी 1 लाख, मशीन डेबिट, मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट बाय 3,50,000, इसी रेट पे नेट तो नहीं करना, अभी डायरेक्ट अप्रोच है, ये रेंट क्या है ना, नहीं 31/12 नहीं है, 30 जून 12 जी ठीक है, इकट्ठे होने यहाँ जरा आराम से आराम से, ये रेंट का पता चल गया जी, बिल्कुल ठीक है, डेट्स अवेलेबल है, टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, वर्किंग कैसे करूं, हाँ जी रेजिडुअल वैल्यू भी अवेलेबल है, 350 माइनस 50,000 ढूंढे रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइड बाय 5 भी है और 8 महीने गिन लेंगे सारे, नवंबर दिसंबर से जून,
खामोशी से करें प्लीज। नेक्स्ट, डेफर्ड ग्रांट को कब मनाएं? कोई इशू नहीं है, नॉर्मल लोग हैं आप, अंधेरे में नजर अगर नहीं आ रहा तो ये कोई डरने वाली बात नहीं। मसला होता कि अगर नजर ऐसे नजर आ भी रहा था, लगता है कि नॉर्मल से बात हट गई। उसमें सारी रात जागना शुरू कर दिया आजकल आपने, तो अल्लाह ना करे एक मखलूक ऐसी भी है जो रात को जागती है। अपना अपना नाम सब छुपा के रखें, इंसानों की बात हो रही है। आजकल नॉर्मल इंसान रात को जागता है, सारी रात पढ़ता है, सारी रात काम करता है, दिन को सोता है। सही कह रहे हैं, दिन को भी पढ़ता है, कहने में क्या है। डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, कैसे कैसे? 1 लाख डिवाइड बाय, ये जी रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं होनी, अब सब हो गई। नहीं, एसेट की तो डेप्रिसिएशन है, इसकी डेप्रिसिएशन सॉरी इसकी रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं आपके जेन में, ये आया जिस तरीके से डेप्रिसिएशन। ना ना सर, ना डीजीआई ये मेरे सामने ऑनलाइन स्टोर्स भेजते हैं डीजीआई, लेकिन पेपर में कोशिश करनी है कम से कम एब्रीवेशन हो, जो हम भी कभी कभी कर लेते हैं लेकिन कम से कम इतनी तो लिखा नहीं। सर जी समझ गया प्लीज, कोई और इससे? पॉइंट नंबर 3 अब दोबारा पढ़े और सही डिसीजन लें यार, इस बात नहीं बन रही सही। पॉइंट नंबर 3 अब फाइनल पढ़े, बताएं क्या एंट्री करूं, आराम से दोबारा पढ़े, पढ़ने दे। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने लिख लिया यहाँ तक, किसी फिगर का इशू तो नहीं? किसी बड़ा फिगर का इशू तो नहीं है? लास्ट पैराग्राफ में कैंडी आ रहे हैं, लास्ट पैरा पॉइंट नंबर 3 कोई डिसीजन है सर? नहीं मतलब कोई एंट्री बताएं, डेट बताएं। सब रुक जाए जी, सजेशंस दें। पहली एंट्री बोला, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम पे। एक मिनट, अमाउंट इज 1 लाख, रुक जाए ठहरे, पहले बोल सुनो। कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट, अब एक सजेशन आई है, डाटा देखें कि 1 महीने के पहले इनकम बना लो, इस ग्रांट का टाइम से लिंक नहीं था, इस ग्रांट का रिक्रूटमेंट से लिंक था, तो क्या कुछ कंडीशन मीट हुई है? मतलब 1-2 हो गए हैं, बाकी इंशाल्लाह कर लेंगे, क्या होना शुरू हो गई है कंडीशन मीट? अभी इनकम नहीं बननी चाहिए, इसका टाइम से लिंक नहीं था कि 1 साल की फॉर एग्जांपल ग्रांट है तो 1 महीना गुजर गया, इसका लिंक था कि 10 बंदे रखने, तो मेरा ख्याल है 10 बंदे रखने की पोजीशन में ही हम नहीं आ रहे। ठीक है, तो कोई इनकम नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके।
लेकिन 30 जून का बाद है, 30 जून का जो स्टेटस बताया मैंने, फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, क्या इसे आप डेफर्ड ग्रांट इनकम ही रहने दें या अब इस लाइबिलिटी का हेड भी बदल दें। डेफर्ड ग्रांट इनकम का मतलब होगा ये पैसे फ्यूचर में इनकम बनने हैं, लेकिन क्या ये फ्यूचर में इनकम बनने का कुछ चांस लग रहा है? क्या फ्यूचर में ये पैसे वापस देने का चांस लग रहा है? तो इसलिए अब इस लाइबिलिटी का हेड भी सही हो जाना चाहिए, किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए इस लाइबिलिटी को, इनकम की जगह डेफर्ड ग्रांट इनकम की जगह पेबल टू गवर्नमेंट शायद हेड हो जाना। कौन सी उम्मीद दम तोड़ के कौन सी उम्मीद की तरफ गेम जा रही है? ये उम्मीद की इनकम बनेगी, ये बात खत्म हो रही है, और ये खतरा ये पैसे वापस जाने हैं ये बढ़ रहा है। क्या करें? डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, क्या खत्म करके क्या बढ़ा रहा हूं? नहीं, इनकम तो नहीं है, ये भी लाइबिलिटी है, लेकिन कमाने वाली बात खत्म करके देने वाली बात कर रहा हूं, पेबल गवर्नमेंट। मेरा ख्याल हुई नहीं है अभी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, मतलब ऐसे नहीं लग रहा, पढ़ के लग रहा है कि अभी वापस किए नहीं है, खतरात बढ़े में लग ही रहा है कि देने पड़ेंगे, दिए होने का जिक्र होता है पेबल डेबिट कैश पे। डन है, डन है सर, अब नोट करें। कुछ तो चीजें पहले सुना करें सर, ये अंग्रेजी में फंस जाते हैं। ऑनलाइन शॉर्ट्स पढ़ा कुछ क्लियर? ये बड़ा मैं साथ साथ बता रहा हूँ, कहीं फिलहाल साथ साथ ही चले। जब भी मैं कभी कोई पिछला टॉपिक देता हूँ उसको कोशिश किया करें, डेफिनेटली रिवाइज तो करना है, लेकिन इम्प्रैक्टिकेबल भी सिचुएशन नहीं बनाए कि एक दिन में कितना टाइम होता है, तो जब मैं चीजें कह रहा हूँ अगर साथ साथ करेंगे तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। जी नोट कर लियो। साथ साथ किस तरह चलने की कोशिश करें बस। जी डियर, अब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट शायद एक और भी, हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज जरा कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बना लें, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर जिक्र है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन दोनों के एक्सट्रैक्ट्स बना लो। ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। फॉर द ईयर एंडेड, खुद से ढूंढेंगे जरा इस सारे डाटा में स्टोरी, प्रॉफिट लॉस में क्या क्या आएगा। लिख लें लिख लें लिख लें, अपना अपना लिखें, कोशिश करें जरा क्या क्या आएगा आपके ख्याल, काफी कुछ आना है, आराम आराम से करें, अपना 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 अपना, ठीक है वो ब्रैकेट में प्लस कर लें।
जी डेप्रिसिएशन ट्रेनिंग एक्सपेंसेस ग्रांट्स दो तरह आएंगी, दो एंट्रीज में आएंगी। और देखें क्या ना? जी जी पर वो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में बनाते हैं सर, जान लें सर, एक्सपेंस भी है और एसेट भी कम हो रहा है, दोनों में इफेक्ट आएगा। हाँ साहब इस तरह तो टेस्ट ना लिया करना। ये सर्टिफिकेट ठीक है सर, यही आना है कुछ और भी आना है? और क्या आना है? जो जो आ जाए बोर्ड पे वो आना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर वन पढ़ के बताइएगा। जही साहब कह रहे हैं कि ये तो पता ही नहीं कि ट्रेनिंग एक्सपेंसेस हमारे वाले साल में हुए हैं या नहीं। और जही साहब बस कर दें यार बेटा, अब तो सवाल भी खत्म हो गया है यार। ये कब पढ़ना है सवाल? ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है? पिछले साल में हुए या पिछले साल में हुए, अगले साल में हुए, इस साल तो नहीं हुए। ड्यूरिंग द ईयर का ये मतलब तो नहीं होता। जही साहब जाने दे, गुस्सा है यार। ये बिल्कुल ठीक है सर। क्या नॉन करंट एसेट्स में कुछ आना है? सर जी कंसंट्रेट करें सर, ऐसे नहीं करें। मशीन मशीन कैसे आएगी? 350 माइनस 40 क्यूमुलेटेड पहला साल ही है ये, ठीक है भाई साहब? 310 सेकंड इफेक्ट भी तो आना है, खर्चा बढ़ के एसेट कम हुआ। ये सर जी आगे गेम एक सीरियस है, जरा रुक जाए जरा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में मशीन लिख के जरा कहीं, एक मिनट रुके जरा। डेफर्ड ग्रांट्स आएंगे बैलेंस शीट में, ये सुनना है जरा एक मिनट यार। नहीं ये करंट और नॉन करंट में आनी है। रुक जाए रुक जाए रुक जाए। नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज तरीका काइंडली फाइनल कीजिएगा जरा। ग्रांट वन पे जाए जरा, क्वेश्चन देखें। ग्रांट वन का तो बैलेंस शीट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो इनकम बन गई है। ग्रांट टू पे आए जरा, ये ग्रांट मिली कितनी है, इसमें से इनकम बन कितनी गई है? 13,333। कैलकुलेटर उठाएं, सबसे पहले बताएं क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 86667। लेकिन क्या ये 8667 नेक्स्ट ईयर ग्रांट इनकम बन जाना है? इसका लिंक अब मशीन के साथ है,
मशीन मशीन मशीन, इस ग्रांड ने 5 साल में इनकम बनना है, तो इस ग्रांड में से जितनी इनकम नेक्स्ट ईयर बननी है वो है करंट लाइबिलिटी, और जितनी इनकम बननी आफ्टर 12 मंथ्स वो है नॉन करंट लाइबिलिटी। तो देयर फॉर क्या करेंगे, कंसंट्रेट करें अपन, कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। 1 लाख लिखे कैलकुलेटर पर, डिवाइडेड बाय 5, अगले साल 20,000 रुपए ने इनकम बनना है। तो अब जरा बात पूरी सुने, बोर्ड पे देखें जरा, सारी फिगर जरा ढूंढ के लिखवाएं जरा। 1 लाख फिगर थी, कितनी इनकम बन गई है, तो इसकी तो बहस खत्म हो गई है, फ्यूचर में कितनी इनकम बननी है, 20,000। 20,000 कैसे, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इनकम भी स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो ये जो 20 माइनस किया है यहाँ से हमने, ये डेफर्ड ग्रांट इनकम की फिगर करंट लाइबिलिटीज रहेगी। अजम्ड है, और बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी 66667। असल में 86667 हमारा टोटल बैलेंस ऑफ ग्रांट इनकम है, डेफर्ड ग्रांट इनकम। तो टोटल लाइबिलिटी यही है, लेकिन जिसना लोन जरा जेन मिला है, अगर लोन में से नेक्स्ट 12 मंथ्स में को पैसे देने हैं वो करंट लाइबिलिटी है, बाकी नॉन करंट है। उसी तरह जिसने नेक्स्ट ईयर इनकम बनना है वो फिर करंट लाइबिलिटी, और जिसने नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद इनकम बनना है तो उसने नॉन करंट लाइबिलिटी बनना। सॉरी, ये फिगर 20,000 आएगी, सॉरी 20 करंट में, और बैलेंसिंग फिगर समझ आएगी कैसे आएगी, क्लियर है? पहले नोट और मुझे से सुना करें यार जी 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 एक यहां तक लिख लो, एक रहती है फिगर। ये बड़ा अपने पॉइंट्स नोट कर लें, उसके लिए फिर इंशाल्लाह टाइम निकालते हैं, जरा चीजें जरा थोड़ी सी कंप्लीट कर लें, जो चीजें पुरानी अगर सवाल को रह गए तो उसके लिए फिर टाइम एंड में निकाल लेंगे। जी सर, नंबर 3 पे आ जाए जरा, ग्रांट पेबल है जी, क्यों ग्रांट पेबल कितनी, 1 लाख। प्री करंट लाइबिलिटीज में लिख रहा हूं मैं, क्लियर तो नहीं है लेकिन लग ही रहा है कि वापस करनी पड़नी है, लुक्स लाइक दैट, अनलेस वी हैव इंफॉर्मेशन के 12 मंथ्स के बाद करनी है। ठीक है, ठीक है सर, चले इसी का भी सेकंड मेथड भी रहता है, आए शुरू करें, चलो कंप्लीट करें, जरा एंट्री शुरू करें, बनाए अपनी एंट्रीज, टाइम है, टाइम है। ये बड़ा एक्सट्रैक्ट बना लिया सबने, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक नोट हो गया। जी कोई लिख तो नहीं रहा प्लीज,
ध्यान से देखिएगा सारी फिगर्स। जी सर, कैश डेबिट होके ट्रेनिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट होंगे। इनडायरेक्ट अप्रोच नहीं सर। चलिए ठीक है सर, शुरू नहीं किया अभी, कर ले शुरू। नहीं लिख रहा, लिख रहा भी एक समराइज फॉर्म में लिखा हुआ है मेरा ख्याल। इतना तो हम क्या खर्चा क्रेडिट नहीं हो सकता, लिख लेते हैं। पर ऐसे पे इकट्ठे हो रहा नहीं याद है। एक नया काम होना है 1 नवंबर पे, 1 नवंबर पे एक तीसरा काम नया, डेफर्ड डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट मशीन क्रेडिट बाय रुपीज 1 लाख। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को याद आ गया। इनडायरेक्ट अप्रोच ठीक है, कितनी मशीन रह गई, 2.5 लाख डेप्रिशिएट होगा। 30 जून 12 डेप्रिसिएशन डेबिट क्यूमुलेटेड डिसीशन क्रेडिट कैसे, 3.50 था, 1 लाख तो नेट होके 2.5 लाख रह गया। रेजिडुअल वैल्यू है डिवाइड बाय 5 इंटू 8/12 2,666 0.66 आ रहा है सर, तो 2,667 समथिंग। जी डेफर्ड ग्रांट इनकम का क्या करेंगे, और कुछ पॉइंट नंबर 2 से बस यही है शायद, लास्ट में तो रिपीट ही होना, उसमें तो इनकम कोई है ही नहीं। पॉइंट नंबर 3 ने शायद एज इट इज रिपीट हो जाना।
कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम, कैश डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, फिगर आ गई, एक्स एक्स बनाए, देख लीजिएगा एंट्रीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने कंपैरिजन फॉर्म में लिखी है, पता नहीं नजर आ रही है नहीं, देख लेंगे राइट साइड, नहीं कर ली आखिरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट में अगर होगी ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखी एक्सपेक्ट में अगर लिखी है काश मैंने पढ़ा होता। हाँ जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साथ साथ पढ़ा है, कहने में हाँ क्या हर्ज है, और अब मैं बोर्ड पे लिखे जाने का इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ तक तो मैंने लिख लिया है, आगे क्या लिखूं? अहमद लिमिटेड, सर जी हिम्मत करें हिम्मत करें जवानों हिम्मत करो, गेम अल्हम्दुलिल्लाह तो वहां पहुंची जहां पहुंचनी चाहिए थी, सिलेबस तो खत्म हुए 4 अक्टूबर को, जैसे ही आप मुझे मिले थे सिलेबस खत्म हो गया था। हम तो भाई नहीं शौक से पढ़, ये ठीक है सही सब कर ले बेटा, मैं लिखता हूँ फिगर्स। आप सब कोई नहीं देख लेने दे, इंशाल्लाह खुद ही परेशान होगा बात। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कुछ अर्सा पहले कि आपकी चेयर पर साथ वाला ना बैठा हुआ करे, तो ठंडे दिल से सोचे ये बात गलत नहीं है, अपना अपना आराम से कौन सा पढ़े, कभी उधर से पंगा कभी इधर से पंगा, वो ना करो तो अपना पंगा हो जाता है कुछ ना कुछ। क्यों सर आपका क्या ख्याल है? वो कोशिश बहुत करता है लेकिन फिर भी फर्क है नहीं, वाइस वर्सा।
जी सर, ट्रेड वाला प्रॉफिट लॉस में क्या क्या नजर आएगा? डेप्रिसिएशन नजर आएगी, फोर्टी डेप्रिसिएशन। जी सर, तो 666 डेप्रिसिएशन, और ट्रेनिंग एक्सपेंसेस नजर आएंगे। हाँ जी, 70 माइनस 40 30,000, 70 एक्सपेंस था, 40 ग्राम थी, 30। ये ओके बेटा प्लीज। नहीं एक मिनट, प्रॉफिट लॉस में ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स में मशीन नजर आएगी 2.5 लाख, ठीक है ठीक है। तो 50 माइनस, तो 666 इज इक्वल टू 223333। और मेरा ख्याल है कुछ भी और नहीं सवाए पेबल टू गवर्नमेंट के, वो एज इट इज आ रही। डेफर्ड ग्रांट किधर गई? वो एसेट से रिलेटेड थी और नेट होगी भी, नहीं इनकम नहीं बन गई एसेट से नेट। ओके ओके, सिर्फ रिड्यूस डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, ठीक है। दो फिगर्स है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और दो फिगर्स ठीक है जी। तो लेकिन 40,000 ग्रांट मिल जाने से फिर हमारा खर्चा बस 30 रह गया। चलिए ब्रेक कर लें, चला चार 20 राउंड मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।
ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गए वापस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा वापस आ गए हैं। पेज नंबर 76 निकाल रहे हैं। सुना बाहर बारिश हो रही है, आराम से पढ़ी जाए, हल्की हल्की सी है, रुकेगी तो इंशाल्लाह चले जाए। अगर तो ये गारंटी है कि सीधा घर जाएंगे। मैंने बड़ा पेज नंबर 76 निकालिएगा फिर। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं बारिश हो रही। तो इसका मतलब मिली जुली सी कैफियत है। पेज नंबर 76 है। IAS 16 से मिला है। IAS 16 डिस्क्लोजर्स होते हैं सर। IAS 8 डिस्क्लोजर्स, IAS 20 डिस्क्लोजर्स। शेयर होल्डर्स को काउंटिंग एंट्रीज करके, प्रेजेंटेशन करके कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बतानी। कौन कौन सी पेज नंबर कौन सा आ गया? 76। 25 सीरियस लिया करें। फॉलोइंग इश्यूज मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बल्कि यार IAS 33 है डिस्क्लोजर्स यार, दो मेन डिस्क्लोजर्स यार, कौन से ढूंढे ढूंढे ढूंढ के बता रहे, ढूंढ के ढूंढ के बता रहे, ढूंढ के ढूंढ के ढूंढ के ढूंढ के ढूंढ के सफा नंबर भी बताएं, सफा नंबर ढूंढ के जरा पढ़ लें। प्रॉफिट फॉर द ईयर को रिकंसाइल करना है बेसिक अर्निंग से, और बेसिक अर्निंग को करना है डाइल्यूटेड अर्निंग से। पेज 274 आखिर में शायद दो बुलेट से पढ़ दे जरा, क्या डिस्क्लोज करना। एक तो अर्निंग की फिगर बतानी है, अर्निंग अर्निंग बेसिक और डाइल्यूटेड, और फिर इन्हें प्रॉफिट के साथ रिकंसाइल करना। प्रॉफिट उठा लेना है, और अगर इरेडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है तो लेस करके बनेगी बेसिक अर्निंग। फिर बेसिक से डाइल्यूटेड कैसे बनेगी? पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स का डिविडेंड और इंटरेस्ट अगर कोई है तो, ऑप्शन का कुछ नहीं। अर्निंग अर्निंग अर्निंग। दूसरा पढ़े, बेसिक शेयर्स और डाइल्यूटेड शेयर्स बताने, और फिर बेसिक शेयर्स को डाइल्यूटेड से रिकंसाइल करना। शेयर ऑप्शंस, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, डिस्क्लोजर्स 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 फिर डिस्क्लोजर्स। IAS 20 नहीं, क्वेश्चन वन में नहीं, क्वेश्चन नंबर कई में। वही वही सर जो घर में चल रहे हैं। आइए अगेन, डिस्क्लोज 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 फिर डिस्क्लोज। IAS 20 अगर IAS 20 के एंगल से सोचा रहे तो चार चीजें ढूंढनी है जी अपने। नंबर एक, अकाउंटिंग पॉलिसी रिगार्डिंग बोथ रिकॉग्निशन एंड मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। रिकॉग्निशन एंड मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये नंबरिंग जरा थोड़ी सही नहीं हुई, बीसी नहीं होना चाहिए, एबी होना चाहिए। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ओवर द पीरियड टू विच द ग्रांट अप्लाइज। पहले पढ़ ले आराम से, बता दें रिकॉग्नाइज एज इनकम अंडरलाइन करो, एंड द ग्रांट इज प्रेजेंटेड एज अ डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। देखिए दो ही तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड।
डायरेक्ट मेथड के रिकॉग्नाइज एज इनकम, इनडायरेक्ट मेथड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंस से या फिर एसेट से, ताकि डेप्रिसिएशन कम हो जाए। अब ये बताना क्यों जरूरी है, रेशियो जेन में लाए। रेशियो एनालिसिस जब होता है तो कंपनीज की एक दूसरे से कंपैरिजन होता है, लेकिन रेशियोज की फिर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। बैलेंस शीट जेन में लाए, अभी बनाई थोड़ी देर पहले आपने, एक ही कंपनी है, अगर उसने फॉर एग्जाम्पल ग्रांट्स को अदर इनकम बनाना है तो डेफर्ड ग्रांट्स नजर आ रही होंगी इतनी सारी बैलेंस शीट में, आ रही होंगी सर, लेकिन वही कंपनी या उसी सेक्टर की एक और कंपनी को भी ग्रांट मिली है, उसने एसेट में से डिडक्ट कर लिए, उसकी बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा, कोई ग्रांट नहीं, कोई ग्रांट ही नहीं। इनकम स्टेटमेंट में लाए, कोई ग्रांट इनकम ही नहीं, तो लगेगा क्या, शायद ये कंपनी बगैर ग्रांट से चल रही है, लेकिन हकीकत ये नहीं होगी। तो देयरफॉर नोट्स में लिख के बताना कि ग्रांट्स थी, लेकिन उन्हें फॉर एग्जांपल डिक्रीज फ्रॉम एक्सपेंडिचर के एंगल से रिकॉर्ड किया हो, ताकि अगर कोई रेशियो एनालिसिस हो रहा है तो अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ के भी पता चले कि इनमें कंपैरिजन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने ग्रांट्स को डिफरेंट तरीकों से प्रेजेंट किया। नहीं याद आ रहा, पेज नंबर 275 भी निकाले, ईपीएस में बात हुई थी, लिमिटेशन ऑफ ईपीएस, इसमें भी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आया था, बट किसी ने फाइफो, किसी ने वेटेड एवरेज, किसी ने कॉस्ट मॉडल, किसी ने रिवेल्यूशन मॉडल, किसी ने डायरेक्ट इनकम अप्रोच, किसी ने इनडायरेक्ट इनकम अप्रोच। तो जब तक बताएंगे नहीं पता नहीं चलेगा, लगेगा इससे कि शायद ग्रांट्स नहीं है, हालांकि ग्रांट्स हैं, कहाँ है, नेट हुई, नेट हुई। जब तक आप बताएंगे नहीं शेयर होल्डर्स को पता नहीं चलेगा। तो नंबर वन क्या बताना, अकाउंटिंग पॉलिसी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कैसे किया है और प्रेजेंट कैसे किया, और कैसे कैसे किया जा सकता है, एज इनकम भी किया जा सकता है और एज डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर भी किया जा सकता है। अब लिखा यकीन ज्यादा हुआ है, लेकिन अगर की वर्ड जहन में आ रहे तो कुछ ना कुछ सेंटेंस बनाया जा सकता है। नंबर टू सर, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर एंड एक्सटेंट। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट ग्रांट नजर भी आ रही है तो ये मिली क्यों है, फॉर एक्सपेंसेस है या फॉर एसेट है, तो ये नेचर में ये बताएंगे आप। फिर मिली कितनी है, बैलेंस शीट जहन में लाए, उसमें तो सिर्फ क्लोजिंग आ रहा होता है, क्लोजिंग आ रहा होता है सर, तो मिली कितनी थी, इनकम कितनी बन चुकी है, बताएंगे तो पता चलेगा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग नजर आएगा। तो नेचर मीन्स क्यों मिली है, एक्सटेंट मीन्स कितनी मिली है, ये भी बताना जरूरी है शेयर होल्डर्स को, ताकि उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। अजमडा सर, नंबर थ्री, इंडिकेशन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट्स। रिकॉग्नाइज किसे कहते हैं, तो दोबारा आप सेंटेंस शुरू करें, एन इंडिकेशन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस नॉट रिकॉर्डेड एज गवर्नमेंट ग्रांट्स but from which the entity has benefited directly. Page number 53 pe jaao, humne sirf do tarah ki grants ko account for karna sikha hai, ya expenses ke liye mil jaye ya cash expenses ke liye mil jaye ya cash assets ke liye mil jaye ya asset hi mil jaye, लेकिन क्या इसके अलावा भी गवर्नमेंट की असिस्टेंसेस हो सकती हैं जो हमने रिकॉर्ड करना नहीं सीखा। आ जाए वापस ब्रैकेट पढ़ा, प्रोविजन ऑफ गारंटीज का यह मतलब है प्रोवाइडिंग गारंटी, प्रोविजन प्रोवाइडिंग से यह वर्ड निकला। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है हमसे ग्रांट ना लें, आप इस तरह के लिए किसी बैंक से लोन ले लें, गारंटी हम दे देते हैं, अगर आप रीपे ना कर सके तो हम कर देंगे। गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है, हमने लोन लिया है, लोन की एंट्री बोले लाइबिलिटी है, पैसे वापस करने,
लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे बिहाफ पे बैंकों को गारंटी दे दी है कि अगर हमने लोन वापस ना किया तो गवर्नमेंट कर देगी। अब गवर्नमेंट ने जो गारंटी दी इसकी एंट्री बोला। इसकी कोई एंट्री तो नहीं बनेगी, लेकिन अगर हमने शेयर होल्डर्स को ना बताया तो एक इंफॉर्मेशन छुप जाएगी। तो क्या शेयर होल्डर्स को बताना जरूरी है? बताना जरूरी है कि पता चले गवर्नमेंट हमें कैसे कैसे हेल्प कर रही है, तो क्या अंग्रेजी में ही बताना पड़ेगा? एंट्री तो नहीं हो सकेगी। और चलते हैं, गवर्नमेंट ने फ्री मार्केटिंग या टेक्निकल एडवाइस दी है। गवर्नमेंट की इसमें ख्वाहिश ही होती है कि एक्सपोर्ट्स बढ़े, वैल्यू एडिशन हो, बट सुने कभी सर? तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? जो कंपनीज एक्सपोर्ट्स कर रही हैं उन्हें कोई मार्केटिंग एडवाइस कैसे? समटाइम बल्कि ये भी होता है कि गवर्नमेंट की जो एम्बेसीज होती हैं फॉरेन कंट्रीज में, एम्बेसीज सफारत खाने, वहां पे कस्टमर्स, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को इनवाइट किया, सॉर्ट ऑफ क्या उसे कहना चाहिए, एक नहीं सेमिनार तो अच्छा वर्ड हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या किया जाएगा, लोगों को इनवाइट किया जाएगा जिसमें आप अपनी पाकिस्तान मुल्क की चीजें प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन एक्टिविटी कर रहे हैं, आ जाए आ जाए एक्सपोज, हाँ ये सही है, आ जाए लोगों को बुला लिया, फिर मुल्की प्रोडक्ट्स की वहां मसनूआत की नुमाइश लगा दी, नुमाइश सही वर्ड है, एग्जीबिशन, एग्जीबिशन एग्जीबिशन नहीं सही निकला, एग्जीबिशन अच्छा लगे, तो गवर्नमेंट ने एग्जीबिशन कराया और उसके अगेंस्ट हमसे पैसे कुछ नहीं लिए। उस एग्जीबिशन के रिजल्ट में हमें कुछ एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, मार्केटिंग हो गई, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए हमारी, उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, तो गवर्नमेंट हमने कुछ हमने हमसे चार्ज कुछ नहीं किया। बाकी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को भी बेनिफिट है, हमारे डॉलर्स बाहर से आएंगे फिर गवर्नमेंट उस पर टैक्स डिडक्शन और सारे सारे, लेकिन अगर हमें फ्री टेक मार्केटिंग एडवाइस मिल गई तो ये भी डिस्क्लोज होना चाहिए, या फ्री टेक्निकल एडवाइस, हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी की नहीं बना पा रहे, गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपर्ट्स हायर कर दिए गए जो हमें इधर हेल्प कर रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, तो अगर इस तरह का कोई बेनिफिट हमें मिल रहा है उसकी डबल एंट्री तो कोई नहीं है, फ्री में है, लेकिन उसका डिस्क्लोजर अगर नहीं देंगे तो शायद सही इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को तक नहीं पहुंचेगी कि हमें गवर्नमेंट के किस किस कंडक्ट की वजह से कितना फायदा हासिल हुआ। ठीक है, कुछ क्लियर हो गया? दोबारा सेंटेंस पढ़ लें। वो गवर्नमेंट ग्रांट्स जिन्हें हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए उनको फिर हम क्या करेंगे? डिस्क्लोज जरूर करेंगे। इसकी क्या एग्जांपल्स आ गई? गारंटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की या फ्री मार्केटिंग टेक्निकल एडवाइस आ गई। हजम डे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बहुत खामोशी से पढ़ी जा रहे हैं, सॉरी आपको डिस्टर्ब मैंने किया, लेकिन होपफुली मेरे एंड वाले वर्ड्स सही हैं, खामोशी से पढ़ी जा रहे हैं। देन सर जी नंबर फोर, फोर्थ डिस्क्लोजर, अनफुलफिल्ड कंडीशंस। अगर कोई बैलेंस शीट डेट पे आके कंडीशंस अनफुलफिल हो गई हैं जिसकी वजह से लग रहा है ग्रांट वापस करनी पड़ जानी है, तो शायद शेयर होल्डर्स को अभी बता देना चाहिए वर्स्ट केस सिनेरियो, अनफुलफिल्ड कंडीशंस एंड अदर डिपेंडेंसीज, कंटिजेंसीज कहते हैं, डिपेंडेंसीज अदर कंटिजेंसीज अटैच टू द, मतलब और कौन कौन सी वजूहत हो सकती हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट ग्रांट हमारी पेबल हो सकती है, अनफुलफिल्ड कंडीशंस एंड अदर कंटिजेंसीज। हजम है? तो चार मेन चीजें अगर बोली जा सके शॉर्ट वर्ड्स में, नंबर एक रिकॉग्निशन एंड मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, उसमें ए बी, उसमें ए बी, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स रिकॉग्नाइज्ड, इंडिकेशन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस नॉट रिकॉग्नाइज एंड अनफुलफिल्ड कंडीशंस अटैच टू द ऑर्गेनाइज्ड, मतलब जो हमने गवर्नमेंट ग्रांट्स रिकॉर्ड की हुई हैं उनकी अगर कोई कंडीशंस अनफुलफिल्ड हो गई हैं तो उसका भी डिस्क्लोजर देना मुनासिब रहेगा। देन चलते डेफिनेशंस हैं, टाइम है भी 5 मिनट वैसे वेस्ट करने के लिए, पढ़ना तो पढ़ना ही है, तो आज ही क्यों नहीं आपके साथ ये मैंने रह के सीखा है, जो काम आज हो रहा है वही हो रहा है, बाकी अल्लाह मालिक है, कल आएगा देखी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिए, नहीं आपके साथ रह के मैंने ये सीख लिया है तो इंशाल्लाह, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चलो दोनों तरफ हो जाएगा वैसे, वाइस वर्सा।
डेफिनेशन आ गई सर, गवर्नमेंट की डेफिनेशन आ गई सर। गवर्नमेंट में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर वहां से ग्रांट मिल जाए हम कहेंगे गवर्नमेंट से मिली है। सिमिलर बॉडीज लोकल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट होती है फॉर एग्जाम्पल ये जिस तरह हाँ जी बलदियाती में भी लाहौर गवर्नमेंट, नहीं, वो तो डिपार्टमेंट सर। हाँ जी इस तरह के एक है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, तो उसी तरह फिर जिले ही गवर्नमेंट्स भी होती है। तो कोई भी गवर्नमेंट, बल्कि इवन मल्टीनेशनल, आगे भी चलो इंटरनेशनल, कहीं बाहर के मुल्क से आपको फंडिंग मिल गई तो ये सब गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट डजेंट मीन सिर्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही सब कुछ, गवर्नमेंट 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 गवर्नमेंट, इसके साथ गवर्नमेंट लग गया, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट असिस्टेंस कंसंट्रेट कंसंट्रेट। गवर्नमेंट असिस्टेंस एक लफ्ज है और एक है गवर्नमेंट ग्रांट, बारीक सा फर्क है लेकिन इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट असिस्टेंस मींस एक्शन बाय गवर्नमेंट डिजाइन टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बेनिफिट टू एन एंटिटी और अ रेंज ऑफ एंटिटी दैट क्वालिफाई अंडर सर्टेन क्राइटेरिया, किसी एक कंपनी को या बहुत सी कंपनीज को जो जो क्राइटेरिया मीट करते हैं, मसलन जो जो गवादर जाके कंपनी ओपन करेगा उसको जाके वो टैक्स फ्री तो भी है लेकिन वो फिर टैक्स के एंगल से होगा ना, उसको फॉर एग्जांपल ग्रांट मिलेगी हमारे IS 22 20 के मुताबिक, वो टैक्स फ्री जोन तो टैक्स में चला जाएगा ना, हमारे इस केस में फॉर एग्जांपल ग्रांट मिलेगी तो जो वहां चला जाएगा उसे ग्रांट मिलेगी। तो ये जरूरी है कि सिर्फ एक ही कंपनी को मिले, जो जो वहां खोल लेगा अपना बिजनेस, ठीक है, वो एंटिटी और रेंज ऑफ एंटिटी। गवर्नमेंट असिस्टेंट असिस्टेंट सॉरी डजेंट इंक्लूड बेनिफिट्स प्रोवाइडेड ओनली इनडायरेक्टली थ्रू एक्शंस अफेक्टिंग जनरल ट्रेडिंग कंडीशंस। आराम आराम से चलते जाइएगा मेरे साथ, दोबारा सुनने शुरू करें। गवर्नमेंट असिस्टेंट डजेंट इंक्लूड बेनिफिट्स प्रोवाइडेड ओनली इनडायरेक्टली थ्रू एक्शंस अफेक्टिंग जनरल ट्रेडिंग कंडीशन सच एज प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। थोड़ा सा ऊपर जाए जरा, जहां ऊपर नंबर 3 पड़ा, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, लेकिन यहाँ वो कहता है कुछ असिस्टेंस ऐसी भी हैं जो इस डेफिनेशन में शामिल नहीं है और देयरफॉर उसका डिस्क्लोजर भी जरूरी नहीं है। मतलब इसका क्या है, आपने जहां फैक्ट्री बनाई फर्ज करें उसके नजदीक से मोटरवे गुजर गई, तो ये भी गवर्नमेंट ही बनाई है, कोई पुल बना दिए, कोई नई नई सड़कें बनना शुरू हो गई, क्या आपको उससे फायदा होगा? लेकिन सबको होगा, ये कोई खास आपको असिस्टेंस नहीं मिली है, ये जनरल असिस्टेंस है तो इसका डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। ऊपर वापस है वो जो नंबर 3 में पड़ा है, क्या वो हमारी स्पेसिफिक है? उनका डिस्क्लोजर देना, वरना गवर्नमेंट तो होती है अच्छी है, तब हम हर अच्छाई का अगर डिस्क्लोजर देना शुरू हो गए ये तो किताबें भर जाएंगी। तो मतलब वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हर चीज का भी डिस्क्लोजर नहीं, गवर्नमेंट की हर अच्छाई बयान करने की जरूरत नहीं, वो तो सबको ही पता है गवर्नमेंट अच्छी होती है, हमारी गवर्नमेंट हम गवर्नमेंट के एंड सो एंड वाइस वर्सा, तो सबका डिस्क्लोजर नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्जाम्पल समझ आ गई, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपिंग एरियाज और द इम्पोजिशन ऑफ ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन कंपेटिटर्स, इसका क्या मतलब हुआ? जो हमारे कंपेटिटर्स थे उन पे बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने, हमें उसका फायदा होगा लेकिन ये खामोशी से फायदा हजम कर लेना, बताना कौन कौन सा ऊपर जाके दो बोल रहे नहीं, ऊपर जो दो ब्रैकेट में थे, गारंटी मिली, टेक्निकल एडवाइस मिली। अच्छा ये पीछे पढ़ के बताएं, ये गवर्नमेंट असिस्टेंसीज है वैसे, ये पढ़ के पैराग्राफ बनाए, ये असिस्टेंसीज हैं लेकिन इनका डिस्क्लोजर भी रिक्वायर्ड नहीं, इनका डिस्क्लोजर भी रिक्वायर्ड नहीं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गवर्नमेंट असिस्टेंस, एक्शंस बाय गवर्नमेंट डिजाइन टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बेनिफिट टू एन एंटिटी और रेंज ऑफ एंटिटीज क्वालिफाइंग अंडर सर्टन क्राइटेरिया। लेकिन बहरहाल उसने इस डेफिनेशन में से फिर एक्सक्लूड किसको कर दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर, दो तीन वर्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्पोजिशन ऑफ ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन
कंपेटिटर्स। अब आ जाए गवर्नमेंट ग्रांट्स, बस उठते उठते आखिरी, आर असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस। गवर्नमेंट ग्रांट में हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि कैश या एसेट आ जाए तो फिर वो गवर्नमेंट, अगर असिस्टेंस के तौर पे कोई रिसोर्स ट्रांसफर हमें हो, चाहे कैश की शक्ल में या एसेट की शक्ल में, फिर उसकी काउंटिंग करेंगे IGS 20 के मुताबिक। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स कौन सी असिस्टेंसेस हैं जो इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस टू एन एंटिटी है इन रिटर्न फॉर पास और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस रिलेटिंग टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बैंक। नहीं बात समझ आई? इंशाल्लाह कल यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। आज का टाइम दोबारा फिलहाल EPS पे बनता है, लेकिन आज जरा ज्यादा सीरियस बनता है, शायद कल से फिर किसी और को बनता है। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट फ्राइडे को रख लेते हैं, अभी एक दो दिन ले लें आप, लेकिन कोशिश करें मैक्सिमम वाइंड अप कर लें। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अल्लाह हाफिज।